किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका है। किसानों को रोकने से कई जगह ट्रैफिक जाम लगा है और प्रदर्शन की क्या तस्वीरें हैं, किसान कैसे आगे आ रहे थे, कितने किसान थे, ये तस्वीरें देख लीजिए। हुजूम है किसानों का और यहां संबोधन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, लेकिन इससे लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, कोई किसी से मिलने जा रहा है वो रुका हुआ है घंटों के लिए, एम्बुलेंस हॉर्न बजा रहा है और लगातार वो अपने सायरन भी बजाया जा रही है एम्बुलेंस, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क, हर सड़क जाम है। आप यकीन करिए, एनसीआर के कई इलाके इससे बहुत बदहाल है। हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक फ्रेम आपको समझा रहे हैं। किसानों की मांग तो है, लेकिन सड़क पर क्या हाल है ये बताने के लिए हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी तादाद में किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। ये वो रास्ता है जो कि दिल्ली जोड़ता है नोएडा से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, इसी तरह से इनका प्रोटेस्ट, जिनकी मांगे पूरी नहीं होती इसी तरह से इनका प्रोटेस्ट जारी रहने वाला है। दिल्ली कूच करने की आज पूरी तैयारी थी और इसी के चलते यहाँ पे जो है काफी किसान इकट्ठे हुए थे और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आगे भी जाने की तैयारी है। फिलहाल इन्होंने पुलिस को साफ कहा है कि जो किसानों को रोका गया है पुलिस के द्वारा, उन्हें छोड़ दिया जाए और चिल्ला बॉर्डर के पास इन्हें जगह दी जाए, वहां पर ये बैठेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत का दौर बदस्तूर जारी है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। काफी तो जिस तरह से ये तस्वीर है आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशान करने वाली ये तस्वीर यहाँ पर सबको परेशान करने वाली तस्वीर है। जो गाड़ियां हैं वो इसमें क्योंकि मैं खुद ही देख के आ रहा हूँ, दो किलोमीटर में खुद देख पाएंगे। पीछे भी जो गाड़ियां हैं वो भी है और इसके जो दूसरी जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर इसमें फंसी हुई साफ तौर से, क्योंकि सीधे आगे रास्ता बंद है। आप भैया कितनी देर से जाम में है? एक घंटा करीब हो गया, रिंग रहे इधर। कहाँ जाना है आपको? मतलब आगे जाना परी चौक से भी आगे, क्योंकि मतलब कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है लोगों के पास, कोई अल्टरनेटिव नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अल्टरनेटिव है, हर जगह जाम लगा हुआ है।